नमस्कार दोस्तों, चलिए फिल्टर सेमेस्टर टू में 153 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? बड़ी स्पाट सतह के माध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? कह रहा है मध्य भाग यहाँ पे कह रहा है, तो 153 का हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार या त्रिभुज या ट्रायंगुलर खुरचनी का प्रयोग करेंगे। कौन सा? ट्रायंगुलर खुरचनी का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 153 का सी। चलिए 153 के बाद अगला चलते हैं 154 में। 154 कह रहा है इस यंत्र का नाम बताना, ये जो यंत्र यहाँ पे लगा है इस यंत्र का नाम आपको बताना है। 154 का ए हम हो जाएगा स्क्रू पिच गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्रू पिच गेज हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? पता कर रहा है, ठीक है। अगला बात करते हैं 155 नंबर का, तो 155 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बात करेंगे 155 का, तो 155 का सी हो जाएगा, डायल वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है कि जो ग्रेजुएशन उसमें लगी होती है डायल में, उसे छोटे चीज़ को क्या करता है? वो बड़ा चीज़ बना के दिखाता है ग्रेजुएशन डायल पॉइंटर वाले में, ठीक है। तो वह कह रहा है कि यहाँ पर 155 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायल वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 156 नंबर की। 156 नंबर हमारा कह रहा है कि उपलब्ध BIS ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या होती है? आधारभूत 156 के ए हो जाएगा 25 होती है। कितना होता है? 25 होती है। फंडामेंटल डेविएशन और यूनिट ड्राइव जो आपका लिमिट फिट टॉलरेंस में, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, लिमिट फिट चैप्टर से उठाया गया है। 157 की बात कर लेते हैं। 157 हमारा कह रहा है कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं? कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं? तो 18 ग्रेड उपलब्ध हैं। कितने? 18 ग्रेड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 158 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 158 कह रहा है भागों के आमापों को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन सा परिशुद्धता उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? 158 का ये हो जाएगा, माइक्रोमीटर लाया जाता है। कौन सा? कह रहा आम आप ज्ञात, जैसे तुलना करने के लिए और परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोमीटर किया जाता है। 159 की बात कर लेते हैं। 158 का ये हो जाएगा, 159 कह रहा है यहाँ पर लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैग्नीजियम काम आती है? कौन सी मैग्नीजियम काम आती है? 159 का सी हो जाएगा, लीवर और स्क्रोल जैसे मैग्नीजियम काम में आई जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 160 है कह रहा है कि थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? 160 का सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? कंपैरेटर प्रयुक्त होता है थोक उत्पादन में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर प्रयुक्त होता है। 161 की बात कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर भागों की अंतर चूड़ी को मापने के लिए कौन सा गेज का उपयोग करेंगे? आंतरिक चूड़ी मापने के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, टेपर रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। टेपर रिंग गेज का प्रयोग करेंगे भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन सा गेज का? अंतर यहाँ पे कह रहा है चेक है, इंटरनल थ्रेड आप है, इंटरनल थ्रेड टेपर रिंग मतलब कोई टेपर रिंग है, उस पर चूड़ी कटी है, तो कोई होल है उसके अंदर चूड़ी कटा है, तो ये प्रवेश करेंगे वही नापेगा, ठीक है। थ्रेड रिंग की बात करेंगे तो कोई रिंग है उसके अंदर चूड़ी कटा रहेगा, तो ये ऊपर ही चेक करेगा। थ्रेड प्लग की बात करेंगे तो प्लग वाला आपका कुछ इस प्रकार सा होता है, वो भी नहीं। कैलिपर गेज की बात करेंगे, वो भी नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? 161 का बी आपका हो जाएगा, टेपर रिंग गेज हो जाएगा। चलिए 162 की बात कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर 162 कौन सा चरम स्वीकृत आमाप और जिसके भीतर ऑपरेटर से भी भाग बनाने का आकांक्षा रखी जाती है? 162 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पर देख सकते हैं नॉमिनल साइज क्लियर हो जाएगा आपका। 163 कह रहा है हमारा यहाँ पर उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक आमाप को क्या कहा जाता है? 163 का डी ऑप्शन हो जाएगा, मिनिमम न्यूनतम आमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनिमम न्यूनतम आमाप कहा जाता है। 164 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आरेख में बीमा डायरेक्शन को 25 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर कहा जाए तो टॉलरेंस क्या होगा? 164 का टॉलरेंस क्या होगा? 164 का बी हो जाएगा, माइनस 0.02 मिलीमीटर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 165 हमारा क्या कह रहा है? 165 कह रहा है कि खरोच मतलब स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानोगे? 165 का सी हो जाएगा, कटपर सल्फेट
कट पर कॉपर सल्फेट, कट पर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कॉपर सल्फेट इसको पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट का ऊपरी ऊपर लेप लगाकर हम उसको पहचान सकते हैं। 166 की बात कर लेते हैं, आकार को दी सीमाओं में से कौन सा छोटा है, यहाँ पर कौन सा छोटा है यह पूछा गया है। 166 की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा वास्तविक आकार, कौन सा एक्चुअल साइज जो होगा, एक्चुअल साइज जो होगा वो छोटा होगा, 166 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 167 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है यक्ष के रूप में चिन्हित खराद विनिर्देशों का नाम बताना, यहाँ पर विनिर्देश है और उसके कुछ खराद पॉइंट हैं उसके नाम बताना। 167 का आपका सी हो जाएगा, केंद्र के बीच की लंबाई क्या हो जाएगा, केंद्र के बीच की लंबाई, केंद्र के बीच की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो भाग दे रहा है वो कह रहा है केंद्र की बीच की लंबाई की बता रहा है। 168 की बात कर लेंगे, यहाँ पर 168 क्या कह रहा हमारा, खराद कैरिज में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है, एक्स अंकित भाग का नाम क्या है, 168 का हो जाएगा आपका बिल्कुल, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 168 का सी हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, क्या बोलेंगे भैया ये क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, इसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, ठीक है, कौन सा, क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर कितना था, 168 का सी था, 168 के सी में क्रॉस स्लाइड है। चलिए आगे बढ़ देते हैं, 169 क्या कह रहा है हमारा, 169 कह रहा है, 169 खराद मशीन में तीन जबड़े वाले चक मेरिट क्या है, मेरिट क्या है, तीन जबड़े वाले चक का मेरिट क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता, रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता, रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता। 169 के बाद अगला आएगा 170 का आपका पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं 170 क्या कह रहा है, एक्स भाग का चिन्हित नाम बताना है, यही बताना है आपको। 170 का ये ऑप्शन हो जाएगा बॉडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉडी आपका हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 171 क्या कह रहा है, 171 क्या कह रहा है भैया, 171 कह रहा है यहाँ पर एक चार जबड़ा वाले चक का डी मेरिट क्या है, चार जबड़ा वाले चक का डी मेरिट भारी कट दी जा सकती है, चार जबड़े वाले डी मेरिट की बात करेंगे, हैवी कट कैन बी गिवेन आपका भारी कट दी जा सकती है, मतलब भारी से भारी कट दी जा सकती है। ये अगला बात कर लेते हैं, एक और अगला बात कर लेते हैं 172 नंबर क्वेश्चन में, एक किस प्रकार के रेक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तथा ढालने बनाते हैं, ढालने के लिए बनाते हैं जो भी है, यहाँ पर 172 का डी आ जाएगा, नेगेटिव रेक एंगल इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेक एंगल बोलेंगे। 172 के बाद अगला आता है 173, कह रहा है कि यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव करेगा, फेसिंग जब कर रहे हैं कैरिज को लॉक नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल फेस बन जाएगा, कौन सा, अवतल फेस बन जाएगा, हल्का सा भाग जाएगा तो अवतल फेस बन जाएगा। घटक के किनारों से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, 174 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा चेम्फरिंग की बात किया जाएगा, क्या, चेम्फरिंग की बात किया जाएगा। आगे 175 की बात कर लेते हैं, 40 मिलीमीटर वाले ढलवा लोहा राड को टर्न करने के लिए मतलब मोड़ने के लिए स्पंडल की गति ज्ञात करें, यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट हो तो आंसर आप बताना है आपको क्या होगा, तो बी आपका हो जाएगा 100.3 आरपीएम हो जाएगा, कितना 100.3 आरपीएम हो जाएगा, 100.3, 75 का बी बिल्कुल सही है। 76 पूछ रहा है यहाँ पर ऑपरेशन का नाम बताना है, भैया सिंपल ऑपरेशन का नाम बताना है, 76 का हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्क्वायर शोल्डर हो जाएगा, यहाँ पर जो एरिया बन रहा है स्क्वायर मतलब 90 डिग्री वाला बन रहा है, कौन सा, स्क्वायर शोल्डर आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 176 के बाद 177 क्या कह रहा है, 170 कह रहा बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के, बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार से, 177 को आगे चेक कर लेते हैं, 177 कह रहा है कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 177 का क्या बनेगा, तो ऑप्शन ही आप देख लेते हैं, 177 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थ्रो अवे टाइप टूल, क्या बनेगा, थ्रो अवे टाइप टूल बनेगा। चलिए 178 बात कर लेते हैं, थ्रेड की प्रोफाइल को कंपरेटर करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, थ्रेड की प्रोफाइल को कंपरेटर करने के लिए 178 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 178 का सी हो जाएगा, त्रिज्या गेज का उपयोग करेंगे, त्रिज्या गेज का उपयोग करेंगे। 179 नंबर क्या कह रहा है कि क्रेस्ट के रूट तक
कि ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है, क्रेस्ट से रूर तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है, तो 179 का डी हो जाएगा, गहराई हो जाएगी क्रेस्ट से रूट तक, मतलब ये आपका पूछ रहा है क्रेस्ट से लेके रूट तक, मतलब जड़ तक की क्या हो जाएगा, ये गहराई आपका हो जाएगा। कौन सा गहराई बोलेंगे, 180 कह रहा है यहाँ पर कि बाहरी सूत्रण बाहरी थ्रेडिंग M16x2.0 के लिए ब्लैंक साइज का गणना करें, ब्लैंक साइज का गणना करें, 180 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15.8 हो जाएगा, कितना 15.8 हो जाएगा, सूर्य है तो यहाँ पर 15.8 हो जाएगा, क्योंकि 2 mm का यहाँ पर पिच दिया गया है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। 181 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 181 हमारा क्या कह रहा है, 181 कह रहा है कि स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है, 181 की यहाँ बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 181 की बात करिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्कल थ्रेड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैक में किस प्रकार के थ्रेड का, तो नक्कल थ्रेड का या स्क्वायर भी इसका प्रयोग किया जाता है, जब यहाँ पे ये नहीं रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, नक्कल रहेगा तो नक्कल मारेंगे, इन सबको इन सबसे पहले नक्कल या स्क्वायर मारेंगे, ठीक है। चलिए 182 नंबर के क्वेश्चन जान लेते हैं, कह रहा है कि एक्स भाग के चिन्हित का नाम बताना है, फिर वही वाली क्वेश्चन आ गई, एक्स भाग के चिन्हित भाग का नाम बताना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स भाग का, 182 की बात करें, 182 आपका है क्लियर, 182 है, 182 में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स भाग का चिन्हित नाम बताना है आपको, तो 182 का क्लियर आप करेंगे फेड सॉफ्ट दे देंगे, 182 का सी हो जाएगा, कौन सा फेड सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन ये चित्र में दिया हुआ है तो फेड सॉफ्ट देंगे, उसके बाद से आपका लेड स्क्रू ऊपर होता है, ठीक है। तो ये लेथ का पार्ट आपको एक बार का मैंने आपको वीडियो में क्लियर करवाया था, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। 183 नंबर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, 183 कह रहा है कि यहाँ पर कि खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिक, खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिक घुमाव कोण क्या है, खराद मशीन, 183 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 220 डिग्री, यहाँ पर 183 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 220 डिग्री हो जाएगा, यहाँ खराद मशीन के कंपाउंड रेस्ट जो ऊपर वाला चक्र होता है और वहाँ पे क्रॉस स्टाइल लगाया जाता है, तो वो कंपाउंड रेस्ट स्लाइड जो बताया जाता है वहाँ पे, तो 220 डिग्री वहाँ बताया जाता है, कितना 220 डिग्री, तो 183 का डी हो जाएगा। 184 नंबर में चलेंगे, क्या कह रहा है, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है, कौन सा भाग यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है, जैसे लंबवत जाप बीचों बीच में आप लगाते हो तो एक तरफ आपका हेड स्टॉक होता है और एक तरफ आपका टेल स्टॉक होता है, तो टेल स्टॉक में डेड सेंटर इधर कवर कर लेता है और हेड स्टॉक में आपका जा कवर कर लेता है, जैसे 3 जा हो गया, 4 जा हो गया, ये कवर करते हैं। तो 184 का क्लियर हमने क्या मारा है, बीच में देख लेते हैं, यहाँ पर 184 का बी आपका क्लियर कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी स्टडी रेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, कौन सा स्टडी रेस्ट हो जाएगा। 185 में चल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि तीन जबड़े में, यहाँ पे कह रहा है कि तीन जबड़े में चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यहाँ पर तीन जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यहाँ बताना है चिन्हित भाग का नाम क्या है। 185 नंबर चेक कर लेते हैं, 185 यहाँ देख सकते हैं, 185 कह रहा है, 185 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, 185 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आंतरिक जबड़ा हो जाएगा, कौन सा ये वाला जो एरिया पूछ रहा है वो आंतरिक जबड़ा, स्क्रॉल थ्रेडी उसको बोलते हैं, कौन सा स्क्रॉल थ्रेडी बोलते हैं। 185 का डी बिल्कुल सही है। 186 नंबर में चलते हैं, क्या कह रहा हमारा 186 यहाँ पे देख लेते हैं, जबड़ा चक का दोष क्या है, जबड़ा चक का 186 का डी हो जाएगा, सटीकता कम हो जाती है, जबड़ा चक का दोष क्या है, अगर सटीकता कम हो जाती है तो यही दोष है उसका, सही से जॉब को पकड़ता नहीं है, ठीक है। 187 की बात कर लें, क्या पाउडर मेट्रोलर्जी टेक्निकल द्वारा कौन सा टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है, कौन सा टूल सामग्री का निर्माण करता है। 186 का डी था और 187 का ए आपका हो जाएगा, कार्बाइड्स कौन सा टूल, तो कार्बाइड्स बहुत ही हार्ड टूल्स है दोस्तों, टूटता जल्दी नहीं है। 188 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 188 कह रहा है कि हमारा विच एंगल ऑफ द टूल्स है, यहाँ पर कह रहा है कि टूल्स का कौन सा कोण है ग्रुप से फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है, तो साइड रेक एंगल है, साइड रिलीफ एंगल है, साइड क्लियरेंस एंगल है, साइड क्लियरेंस एंगल क्या होगा इनमें से, साइड क्लियरेंस एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल डबल बार दे दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 188 का बी ऑप्शन मारेंगे, यहाँ पर साइड रिलीफ एंगल मारेंगे, क्या मारेंगे साइड रिलीफ एंगल, कह रहा है कि कोण ग्रुप्स में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है, तो साइड रिलीफ एंगल इसको बोलेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।